राजस्थान में बीएसपी का किसी से भी गठबंधन न होने के कारण सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला बहुजन समाज पार्टी ने किया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा राजस्थान प्रदेश के प्रभारी रामजी गौतम ने दौसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही। कांग्रेस के अलावा भाजपा के बागी तथा कुछ अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन पर बहुजन समाज पार्टी की बात चल रही थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई, जिसके चलते अब सभी 200 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के पास 3 विधायक हैं। पार्टी ने 30 सीटों पर अपना लक्ष्य केंद्रित किया है। इन 20 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने खास रणनीति भी बनाई है। रामजी गौतम ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी आमजनों के लिए तीसरा विकल्प है। मायावती ने यहां राज्यसभा सांसद मुनकाद अली तथा अशोक गौतम को भी प्रभारी बनाया है। इन सभी ने मिलकर 30 सीटों पर बीएसपी की जीत के लिए कमर कस दी है।